तो मैंने कहा मैडी दिस फिल्म एज फ्रॉम अंड इट्स बड़ो बॉक्सिंग कोच और बॉक्सिंग कोच वो एक यू नो रगेड यू डन ऑल दिस रोमांटिक रोल्स एंड बड़े बिफोर वी एक्चुअली शो यू द ट्रेलर मैं थोड़ा सा आपको फिल्म के बारे में बताना चाहूंगा कि ये फिल्म की शुरुआत कैसे हुई uh, तकरीबन दो साल पहले एक रात को साढ़े बजे मुझे फोन आया माधवन से और उन्होंने कहा कि आप कहां पे हो मैंने कहा मैं घर पे हूं और उन्होंने कहा कि आ, अच्छा इमरजेंसी तो बताता हूं सो अराउंड ट्वेल्व ओ क्लॉक एट नाइट माधवन केम टू माई हाउस एंड आई वॉज वरीड एक्चुअली मुझे आधा घंटा लगा था पता नहीं क्या हो गया कुछ इमरजेंसी है क्या है मैडी ऑल वेल ऑल वेल मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं आपको I got a little worried, यार ये बारह बजे मुझे कौन सी कहानी सुनाना चाहता है तो मैंने कहा मैडी अभी तो यार अच्छा ठीक है। तो बारह उन्होंने मुझे मिनट एक एक फिल्म, एक फिल्म की कहानी सुनाई। मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा यार कहानी तो अच्छी है पर uh, you know, why telling me, रात को बारह बजे में क्यों बता रहे हो कहते हैं कि ये फिल्म बने और मैं बहुत टाइम से इसके पीछे हूं Why don't you and me get together and produce this film? I said, Oh, so you want to become a producer? Said, Main so, I said, acting. He said, I'm So, I'm mad this film, is from Andiyan. It's, it's about a boxing coach. Or boxing coach, who, you know, rugged. And you've done all these romantic roles. and uh role, uh, even in three idiots, with the Farhan Qureshi. How will you look like this rugged boxing coach? He said, Give me six months. I'm going to USA, I'm going to train myself, I'm going to beef up, completely buff up my body and you know I'm going to look like a boxing coach. I said, yeah, you've got six months. <laughs> you know, you've come and I don't, I don't even know what I'm, Kya ho raha hai? He vanished. And six months later he came and I actually couldn't recognize him. So basically I saw him very passionate about this film. और जब मिलते थे बस फिल्म की बात करते रहते थे तो कहीं मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड यू नो वी शुड गेट टुगेदर एंड मेक दिस फिल्म सो दैट्स हाउ वी गॉट टुगेदर एंड वी मेड द स्मॉल क्यूट लिटिल फिल्म कॉल साला खड़ूस इट्स बीन डायरेक्टेड एंड रिटन बाय सुधा कोंगरा हु टू वर्क विद मनी रत्न फॉर अ वेरी लॉन्ग स्टेच ऑफ टाइम आई एम श्योर आप लोग वंडर कर रहे हैं कि मैं इसको क्यूट फिल्म बोल रहा हूं नाम है साला खड़ूस Uh, इसका मैं आपको कारण बताता हूं कि साला खड़ूस क्यों है इस फिल्म का नाम uh, इस फिल्म में माधवन एक बॉक्सर बॉक्सिंग कोच का रोल कर रहे हैं तो इट्स फिल्म अबाउट अ बॉक्सिंग कोच एंड अ स्टूडेंट और कोच जो होते हैं वो हमेशा स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा थोड़े खड़ूस ही होते हैं क्योंकि द कोच एक्चुअली अ मेंटर एक्चुअली पुशेस द स्टूडेंट शियल पुशिज द स्टूडेंट टू द ब्रिंक वो बहुत दम लगाते हैं वो उनको मोटिवेट करते हैं इंस्पायर करते हैं मगर साथ साथ बहुत गालियां भी देते हैं साथ साथ बहुत चिल्लाते भी हैं तो स्टूडेंट अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने मेंटर को खड़ूस जरूर कहता है यार यार साला खड़ूस है यार बहुत तंग कर रहा है हम सबके लाइफ में आई थिंक कहीं ना कहीं एक सला खड़ूस है आप याद करेंगे शायद कोई टीचर आपके लिए शायद खुद के मां बाप या कोई और मेरे लाइफ में भी एक साला खड़ूस है और uh, uh, वो साला खड़ूस से आप बहुत प्यार भी करते हैं उससे परेशान भी होते हैं मगर यू कैन यू कैंट लिव विदाउट देम एंड सो टुडे एक्चुअली इट्स अ आई वुड से इट्स डे वी वांट फीट ट्रिब्यूट टू ऑल द साला खड़ूस इन आर लाइफ सो आई वुड लाइक टू कॉल माधवन एंड siddharth roy kapoor on stage and uh, talk about the film and the sala khadus they have in their lives and then i will call the sala i have in my life no prizes for guessing that <laughs>